नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले देखिनबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस कथा हेले किंतु मंडी समस्या ने मिलानी प्रतिश्रुति मुख्यमंत्री क सो आलोचना परे नवीन निवास रु फेरिले बीजेपी विधायक सर्वदलीय बैठक रे समाधान हेबो कहि कथा बुझाइले नवीन सरकार को गळारे पूणी कोंटा साजिले प्रताप जना बीजेपी विधायक को परोक्ष रे पापी कहि विवाद रे मंत्री प्रताप को बयान को नहीं व्याख्यूट रे बीजेडी बेंगली टीएमसी रो गुंडागर्दी नंदीग्राम रे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को समावेश उपरे आक्रमण धर्मेंद्र कहिले पराजय भयरे अराजकता करूछि शासक दल दीदी को पंथा को डरुनी बीजेपी पुरुलिया रे प्रधानमंत्री को रणहुंका दीदी को गडरे कड़ा जवाब देले मोदी खेला नुहे पश्चिमबंग रे हेबो विकास बेंगल को दरकार डबल इंजिन सरकार श्रीजगन्नाथों 35,000 एकर जमी बिकिबा प्रसंग सारा देश में विरोध स्वर ट्विटर रे एक नंबर ट्रेंड करुछि हैशटैग सेव जगन्नाथ लैंड आसंता 21 दुदिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 22 रे पुरी और कोणार्क परिदर्शन कार्यक्रम हेलीपैड छु आरंभ करी श्रीमंदिर भितर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा महाप्रभु लिंगराज सेवायत बीएमसी हस्पिटाल आरंभ है टीकाकरण 300 सेवायत ने टीका से 1,00,000 रु अधिक राजधानीवासी को दिगला टीका चिकित्सा त्रुटि जो युवकों मृत्यु नरसिंहपुर घर नरसिंह नाँ अभोग बागधरिया छक मृतदेह रखी कटक नरसिंहपुर रास्ता अवरोध क्षतिपूरण डाक्टरों विरोध में कार्यानुषान दावी यूटर्न नेउछि कोरोना कटक घरोई शिक्षानुष्ठान 12 छात्र छात्री पॉजिटिव चिन्हट हॉस्टल समस्त आइसोलेशन रे आज बाकी छात्र छात्री संग्रह हेबो सैंपल एवं बढ़ुछि ताती 19 जाए सुखिला पागो आसंता दुई दिन पर्यंत तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िबा संभावना 20 रु 8 जिला को वर्षा अलर्ट भुवनेश्वर राज्य सबुठ तप्तर नवीन निवास से पसिला चासी ताती आज मंडी समस्या नहीं बीजेपी टीम नवीन निवास सम्मुख में धारणा देथिला यापरे मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों सह आलोचना करिछंते एवं सर्वदलीय बैठक रे एने आलोचना हेबो बोली कहिछंते आज पूर्वानरे विधानसभा नवीन निवास अभिमुखे बाहरीथिला बीजेपी टीम यापरे नवीन निवास गेट बंद करबा को नहीं धारणा रे बसिथिले बीजेपी टीम शेषे मुख्यमंत्री निजे धारणास्थल को आसिबा सह बीजेपी सदस्य को आलोचना पई डाकी थिले मंडी समस्या नहीं विधायक माने मुख्यमंत्री सह आलोचना करिसंती तबे सर्वदलीय बैठक रे समाधान हेबो कही कथा झुलाइले नवीन चासी को समस्या नहीं गृह और रास्ता रे आंदोलन को जोरदार करिछि बीजेपी खासकरी मंडी समस्या दान उठिबा आदि प्रसंग रे बीजेडी को टार्गेट करिसंती विरोधी चासी प्रसंग रे 6 दिन धरी गृह रे लागि रहिछि अचलावस्था बाचस्पति संगे आलोचना करी सर्वदलीय बैठक डाकी यार आसु समाधान करबी धान उठि आज 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 आलोचना करबी आज तब तारीख से कोन करबे से कहबे चारटा पर कह आपन आसीबे गुरु आसीबे धान उठिबार कथा कहबे आमे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जते बले बाहर को आसी डाकिले आमे जे आलोचना करबार गोटे उचितता थिला आमे तेनु जाई के आलोचना करलु एवं बाहर के एवं विधानसभा को ये जो स्टेलमेट है तो कि भंगी चला जीवो एवं धान कथा भी से भितर भी से उत्थापित करते सब मुख्यमंत्री विषय विधानसभा चलिया कथा एवं अन्य कथा जो कथा आलोचना उत्थापन कले से देखिबे एवं मान्यवर बाचस्पति अध्यक्षतार जो सर्वदलीय कमिटर निष्पत्ति नहींक्र चल ये खुशीर कथा जे दिन दीपर भी माननीय मुख्यमंत्री तांको जने राजनीतिज्ञ नुहे जने स्टेट्समैन राष्ट्रनीतिज्ञ हिसाब से जो मनोभाव रही तार परिप्रकाश तार निदर्शन आज देखा मिलता है विरल प्रति से सम्मान अच्छी चाषी कथा को समाधान कर आंतरिकता अच्छी से आसिले विरोधी दल को स्वागत कर मुख्यमंत्री आलोचना कलापर बाचस्पति डाकिला कौन
ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ବିଜେପିର ନବୀନ ନିବାସ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ରଖିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏପରିକି ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପାପି କହିବାକୁ ବି ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏଠାକୁ ଗଲେ ବିଧାୟକମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି କେହି ହଜି ନାହାନ୍ତି କି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ବିଜେପି ଭାରତ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ କି ନବୀନ ନିବାସ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁ ରହିକି ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ଏଇ ନବୀନ ନିବାସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସଫଳତା ସହିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଲି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଲି ଉପରକୁ ଟିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆକ୍ରମଣ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବେଙ୍ଗଲ ହାତରୁ ଖସୁଥିବାରୁ ଟିଏମ୍ସି ହିଂସା ଓ ଅରାଜକତାର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କର ଏଭଳି ପନ୍ଥାକୁ ବିଜେପି ଡରୁନି ବେଙ୍ଗଲର ଏହି ହିଂସା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହାଯଜ୍ଞ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ଭୟ ଅରାଜକତା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ବାହୁବଳ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ସୋନଚୂଡ଼ାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନସଭା ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଆହତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିଂସା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ନିଚେ ବୈଠା ହେ ଖୁନ୍ ସେ ଏକଦମ ଲତପତ ହେ ଉସକୋ ହମେ ବି ଘବରାହଟ ହୁଇ ହମ ଉନକୋ କୋଇ ଲୋକାଲ କି ପୁଲିସ ଥେ ଉନକୋ ଢୁଣ୍ଡେ ଉନକୋ ଅନୁରୋଧ କିଏ ଭାଇ ଆପ ଉନକୋ ପହିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରାଓ ଉନକୋ ଇସ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ଲାୟା ଗିଆ ଅଭି ଉନକୋ ହମନେ ଦେଖନେ ଆୟା କୁଛ ଦିନ ପହିଲେ ଖବର ଆଏ କି ଭାଇ ୟହାଁ ହସ୍ପିଟାଲ କି ସାମନେ ଗୁଣ୍ଡା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପହିଲେ ଲେ ଯା ରହା ଥା वहाँ गुंडा तब हॉस्पिटल के सामने भी खड़े थे लोकल पुलिस साथ में थी हमें तो समझ में नहीं आ रही है लोकल पुलिस क्या कर रही है अभी अभी यहाँ हमने बात किया यहाँ की आईसी से कोई झा जी थे उनको भी हम गुहार लगाए अनुरोध किए भाई ये प्रजातंत्र है चुनाव सभी के लिए हैं सबको लड़ने के अधिकार हैं लेकिन ये बमबारी होगा लोगों को जानलेवा हमला होगा अभी अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ भाई प्रजातंत्र में अभी अभी फिर खबर आई फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है ये तो बहुत घबराने वाली बात है यह बहुत चिंताजनक विषय प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूँ तुरंत हस्तक्षेप करे पारामिलिट्री फोर्स
यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाएं, लोग परिवर्तन चाहते हैं लेकिन डर भय पैदा करा के, चुनाव और 15 दिन बाकी है, लेकिन ऐसे कार्रवाई करना, ऐसे घटना करना बहुत ही निंदनीय है। बाबू आज हमारे 9 नंबर अंचल 236 नंबर बूथे आज प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी समर्थने आजकल एक सभा हार कथा छो से मत स्टेज बांधिलम से मत अवस्था सशस्त्र लुंगी बाहिनी के संगे नहीं लीडर कौन ग्रामे कौन ग्रामे 9 नम्बर कालीचरणपुर अंचल पश्चिम 7 नम्बर जालपाई ग्राम। अच्छा, सशस्त्र सशस्त्र अवस्था स्वयं काजीर नेतृत्व एक 150 जन पुरुष महिला निर्विशेषे सशस्त्र अवस्था इसे हमें हमला चालाय प्राय 20-22 मत मोबाइल 8 सोनार आंगटी माइक पैंडल समस्त लुट कर मंच भेंगे ওরা সিআরপি আসার পরে ওরা ভয়ে ওখান থেকে অন্য দূরের দিকে হটে চলে যায়। আপনি কত লোক ছিল? আমার ছিল 15-20 জন। কি হবে বলতে ওখানে এখান থেকে তো হবে না, সিটি স্ক্যান করাতে হবে। আচ্ছা, ওখান থেকে আবার অন্য জায়গায় অফার করানো হবে তমলুক। কি হলো সম্পূর্ণ ঘটনা? সম্পূর্ণ ঘটনা আছে, ওনারা আমরা সবাই গেছিলাম রোড টু রোড আমরা পদযাত্রা করতে গেছিলাম, শুভেন্দুদা ছিলেন আমাদের কাছ সঙ্গে, এবার শুভেন্দুদা সামনে গাড়িতে আছে, আমরা ওখান থেকে নেমে সোনাচোরা বাজার উপরে গেলাম, বাজার উপর থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়িটা নিয়ে পাস করে ওরা সবাই পথযাত্রায় বেরোবে, শুভেন্দুদাকে আটাক করে, তখন ওনারা কী করেছে সঙ্গে সঙ্গে সব সামনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কী করছে পেছন ধরে এসে ওনাকে প্রচুর মারে ডান্ডা দিয়ে। অভিযোগ আছে বোমিং হয়েছে কি পে? কি বলছেন? কি সশস্ত্র কি অস্ত্র ছিল? কি অস্ত্র? ডান্ডা, ওই বাতাম ছিল, ডান্ডা ছিল আর বড় বড় ডান্ডা বাতাম এইগুলো নিয়ে ওর মাথার উপরে বিক্ষেপ করে। কত লাগা ছিল? ওনাদের 5 জন। পশ্চিমবঙ্গর পুরুলিয়ারে প্রধানমন্ত্রী করালি বঙ্গলার ভাষণ আরম্ভ করে জনসভা সম্বোধিত কলে প্রধানমন্ত্রী, এসব রাষ্ট্রীয় নায়ক মানুষ মনে পকাইলে মোদি। প্রধানমন্ত্রী কহিছন্তি পুরুলিয়ারে পানি এক বড় সমস্যা, বামপন্থী ও টিএমসি রাজ্যের শিল্পক বন্ধ রয়েছে বন্ধ করেছি, তবে প্রধানমন্ত্রী কহিছন্তি টিএমসি নিজ খেলার ব্যস্ত, বেঙ্গলে ডবল ইঞ্জিন সরকারর বিকাশ হব, বেঙ্গলর প্রতিটি অঞ্চলক হব রেল সংযোগ, 2 মে পরে বেঙ্গলে বিজেপি সরকার গঠন করিব বলে দৃঢ়োক্তি প্রকাশ করিছন্তি প্রধানমন্ত্রী, বেঙ্গল পাই 50,000 কোটি টাকা মঞ্জুরি করা যাইছি, বেঙ্গলর লোকঙ্কু নিজ মাটিরে রোজগার মিলিব। তবে সিধাসলখ নিয়ে চলুছ আসামে নির্বাচন র্যালি কু প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্বোধিত করছেন, সিধাসলখ চিত্র আপনার দেখুন। ভাজপা সরকার রে, এনডিএ সরকার রে, সড়কো কে নির্মাণ মে জো বেহতরিন কাম কিয়া হ্যায় উসকি প্রশংসা ইহা আনে ওয়ালে পর্যটক ভি করতে হ্যায়। লুমড়ি সিলচর রেল লাইন কা চৌড়িকরণ मिशन मोड पर किया गया, आज बड़ी ट्रेनें भी यहां पहुंच रही है। 6 साल पहले तक सिलचर से लुमड़ी और अगरतला तक लगभग आधा दर्जन ट्रेनें चलती थी, आज ये संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। आज बराक वैली, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और अगरतला से कनेक्ट हो चुकी है। बहनों और भाइयों, आज बराक वैली के असम के पुराने गौरव को फिर लौटाने के लिए पारंपरिक ट्रेड रूट को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नदी जलमार्गों को बड़े कार्गो के परिवहन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ये क्षेत्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन सके। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे यहां के किसानों की उपज आसानी से
देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगी। साथियों, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि सौहार्द की, संस्कृति की कनेक्टिविटी को भी बीते 5 सालों में मजबूत किया गया है। भुवन तीर्थ शिव मंदिर, कांसा कांटी देवी मंदिर, सिद्धेश्वर शिवबारी, शोनमिल, 1857 की सिपाही क्रांति का प्रतीक वॉर मेमोरियल, ये सब बराक वैली की पहचान है। नमामि बराक फेस्टिवल से बराक वैली की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पहचान को एनडीए सरकार ने मजबूती दी है। कांग्रेस ने असम को हर प्रकार से डिवाइड रखा, भाजपा ने असम को हर प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास किया। बराक ब्रह्मपुत्र पहाड़ भैयाम, हर क्षेत्र का एक समान विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही भाजपा का विकास का मंत्र है। भाई और बहनों, आज गरीब से गरीब को, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान महीनों तक मुफ्त राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, हर लाभार्थी को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। आज दलित को, आदिवासी को असम में बिजली और गैस कनेक्शन मिला है। हर गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए भी तेजी से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत असम में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। बराक वैली सहित असम के 27 लाख किसान परिवारों को सैकड़ों करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, करीमगंज सहित पूरी बराक वैली की बहनों को अब घर में पाइप से जल पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, यहां जो टी गार्डन में काम करने वाले साथी हैं, उनके विकास के लिए असम की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। असम की भाजपा सरकार ने लाखों भूमिहीन साथियों को पट्टे दिए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेकों नए स्कूल खोले हैं और ये काम लगातार चल रहा है। टी गार्डन में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को हजारों रुपए की मदद की जा रही है, ताकि वो खुद की और बच्चों की सेहत का ध्यान रख सके। हाल में केंद्र सरकार ने बजट में चाय बागान में काम करने वाले साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इससे चाय बागान में काम करने वाले हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जो अनुसूचित जाति उसके हमारे बंधु है, जो एससी वर्ग के युवा है, उनको 10वीं के बाद पढ़ाई में मदद के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत मैट्रिक के बाद की स्कॉलरशिप में काफी वृद्धि की गई है। इसका लाभ बराक वैली समेत पूरे असम के एस
एससी वर्ग के बच्चों को होने वाला है। साथियों, बराक वैली में तो फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए अनेक संभावनाएं। हमारी डबल इंजन की सरकार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए मछली पालन से जुड़े कारोबार के लिए केंद्र में अलग से फिशरीज मंत्रालय बनाया गया है। फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। मुझे खुशी है कि असम में भी मछली उत्पादन में बीते 5 साल में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार अब असम को मछली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ बराक वैली के आप सभी साथियों को, हर वर्ग के परिवार को होगा। बहनों और भाइयों, आज एक तरफ भाजपा की नीति है, भाजपा का नेतृत्व है और भाजपा की नेक नियत भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास न तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही विचारधारा है। आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। ये विचित्र स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में जिन वामपंथियों के साथ वो लाल सलाम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ केरल में नूरा कुश्ती चल रही है। एक राज्य में जिसको गाली देते हैं, दूसरे राज्य में उसको गले लगाते हैं। कांग्रेस का ये कंफ्यूजन हर तरफ है। आप सोचिए, जिस पार्टी की सोच ही स्थिर नहीं हो, वो क्या असम में स्थिर सरकार दे पाएगी? क्या दे पाएंगे? क्या दे सकते हैं? क्या आसाम का भला कर सकते हैं? क्या आपका भविष्य बना सकते हैं? क्या यहां असम में देखिए, कांग्रेस किसके भरोसे मैदान में है भाई? तेज आपने सदासख देखुले आसामु लाइव जो थे कि प्रधानमंत्री मोदी आसाम निर्वाचन जहाँ रही निर्वाचन राली को संबोधित करुले से सबुबले जहाँ कहते भाजपा सबुबले सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास नारा दिए और लोकों पर सबुबले बीजेपी कम कर तेज समय सरी बुलेटिन को सारूँ नमस्कार।